अब भाई किले के बाहर बैठा हुआ अकबर, किले के अंदर मोर्चा संभाल के बैठे हुए जयमल और पत्ता, कौन बैठे हुए? किले के बाहर कौन बैठा हुआ है? अकबर। लंबी चौड़ी फौज थी, मतलब यूं कोई 50-60 हजार की संख्या के अंदर सेना थी। ये अंदर 6-1 हजार आदमी बैठे थे, 6-7 हजार आदमी अंदर बैठे हुए थे। अब किला टूटेगा नहीं, किले की दीवारें थी तगड़ी तगड़ी थी, किला तोड़ना जल्दी से संभव नहीं। तो अकबर ने कहा क्या तरीका किया जाए? तो अकबर ने दो तोपे लगवाई, एक चबूतरा सा बनवाया, चबूतरा बनवा के दो तोपे लगवाई और तोपे लगाकर गोले मारो, बम मारो इसके ऊपर, है ना, तो दीवार कच्ची हो जाएगी थोड़ी देर, बम के टुकड़े लगेंगे लगेंगे लगेंगे, बम लगेंगे तो दीवार टूट जाएगी, और दीवार टूटेगी तो घुस जाएंगे, दीवार टूट गई तो घुसना। अब क्या करता अकबर ने तोपे लगाई, और तोपे लगा के भाई दिन के अंदर सारा दिन कोई गोले मारे उस पे, तो ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया, दीवार का ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया। तो अकबर को लगा भाई कल ऊपर ऊपर वाला तो आज टूट गया, कल थोड़ा नीचे तोड़ेंगे, परसों नीचे और तोड़ेंगे, पूरी दीवार टूट जाएगी। अगले दिन सुबह सुबह उठे तो ऊपर वाली दीवार बनी हुई, ये तो कल तोड़ के गए थे अपने। हाँ सर तोड़ी थी, इधर से ही तोड़ी थी सर, गलत फहमी हो गई होगी, पूरी नहीं टूटी होगी, अपने को लग गया होगा टूट गई होगी, वापस तोड़ो रात, वापस उधर से कोई हमले वमले किए, दूसरी साइड की थोड़ी बहुत तोड़ी कोई, अगले दिन उठ के देखा वापस बनी। तो अकबर ने कहा ये क्या तरीका है? तो कहा साहब ये चित्तौड़ वाले रात रात में वापस बना लेते हैं। क्या इतना कौन इंटेलिजेंट आदमी अंदर बैठा है जो रातों रात दीवार को वापस बना देता है? पता चला अंदर जयमल है। अंदर कौन है? अकबर ने कहा यार पहले बताते अंदर जयमल बैठा है, क्यों? तो यार जयमल से क्यों लड़े अपने, उदय सिंह नहीं है क्या अंदर? कहने साहब उदय सिंह तो गिरवा की पहाड़ियों में, अंदर तो जयमल है। तो अकबर ने कहा तोपे नीचे उतार लो, वाह लड़ाई बंद करो। क्यों सर? तो जयमल से लड़ाई किस बात की? जयमल से तो बातचीत से इस किला ले लेंगे। भाई किला मालिक के पास हो, भाई आपके पड़ोसी है, आपको चाबियां दे के गए कि हमारे घर का ध्यान रखना, और गुंडे आ गए पड़ोसियों के घर पे कब्जा करने के लिए, तो आपने एक बार तो कहा नहीं करने देंगे ना, हमारे पड़ोसी हैं, चाबियां हमारे पास हैं। गुंडों ने कहा थप्पड़ पड़ेगा, बंदूक निकले, आपने लो चाबी लो, तुम जाना तुम्हारा, सीधी सी बात है। तो अकबर ने कहा यार ये किला जब मालिक खुद होता है घर का तो क्या पता नहीं दे, पड़ोसियों के पास में किला है तो कोई दे देगा चाबी। और अकबर ने वो तोपे वो भी नीचे उतरवाई और जयमल के पास मैसेज किया कि भाई जयमल सॉरी, वो यार गलती हो गई थी, 1562 में हमने तेरे से क्या छीन लिया था? मेड़। और यार हमें पता है कि हम तेरे से मेड़ता नहीं छीनते, तू बेरोजगार नहीं होता, बेरोजगार नहीं होता तू आज मेवाड़ में नौकरी नहीं करता, भाई हम तेरे को मेड़ता वापस दे देंगे, तू इसके बदले में हमें चित्तौड़ का किला दे दे, मेड़ता ले ले चित्तौड़, एक चीज दे और एक चीज। जयमल वापस रिप्लाई भेजता है, कह गड मारो हूं धनी, धनी मतलब क्या होता है? मालिक। धनी मतलब है गड मारो, गड मतलब किला, है गड मारो किला मेरा है, हूं धनी मैं इसका, असुर फिरे किम आण, असुर मतलब दुश्मन, राक्षस, राक्षस जैसा दुश्मन इसके अंदर कभी भी घुसे, है गड मारो हूं धनी असुर फिरे किम आण, कुंचा ज्यू चित्रकूट रही। चित्तौड़ को पहले बोलते चित्रकूट, क्या बोलते? कुंची मतलब चाबी, चाबी बोलते हैं कुंची, कि कुंचा ज्यू चित्रकूट रही चित्तौड़ की चाबियां, दीदी मोही दीवान, मेवाड़ के राजा क्या बोलते? दीवान जी, दीवान जी चित्तौड़ की चाबियां मुझे दे के गए हैं, इसलिए किला मेरा है, मैं इस किले का मालिक हूं, और दुश्मन की औकात नहीं कि किले के अंदर घुस के देख सके। अकबर ने कहा भाई जयमल सेंटी हो गया यार, इतना यार यूं दोए वोए लिखने की कहां जरूरत थी। अकबर ने कहा चल भाई तेरे को एक ऑफर देता हूं, पहले तो तू कहां का राजा था? मेड़ता। कहां का राजा था? तो ये मेड़ता तेरा ले ले, और साथ में तेरे को एक जगह और देते हैं, चल हम तेरे को देते हैं नागौर। क्या दे देंगे? मेड़ता भी रख ले, साथ में क्या रख ले? बड़ा हो जाएगा, इतने बड़े साम्राज्य का राजा बन जाएगा, बदले में हमें क्या दे दे चित्तौड़ जो तेरा तो ही नहीं, तेरे को तो संभाल के गए हैं, तो तू कदे नहीं संभाल पाए, इतनी तो बात है, तू जाके मजे कर तेरे, मेड़ता मेरे जाके तेरे कहां पे रहे? नागौर। और ये हमें कौन सा किला दे दे चित्तौड़। जयमल जी वापस रिप्लाई भेजते हैं, तो भूख न मेटे मेड़तो और ना मेटे नागौर, कि मेड़ता और नागौर से भूख ही, भूख न मेटे मेड़तो ना मेटे आ रजवट भूख अनोखड़ी न मरिया मिटे चित्तौड़। ये तो वीरता की भूख है जो मरने पे मिटेगी अकबर, अब तू लड़ाई की तैयारी कर, हम कैसे भी मानने वाले। अकबर ने कहा तोपे वापस लगाओ रे।
अब अकबर वापस तुड़वाए, वो बनवाए, तो अकबर ने कहा रात को ध्यान रखो यार ये कब बनवाते हैं। पर एक दिन अकबर ने अकबर को आके बताया वो देखो बनवा रहे। और जयमल रात को उस दीवार पे खड़ा खड़ा चक्कर काटे, देखे जयमल नीचे की पोजीशन चेक करे, ऊपर दीवार चेक करे। अकबर के पास में एक बंदूक थी संग्राम, क्या नाम था अकबर के पास बंदूक का? और अकबर अपने उस संग्राम नाम की बंदूक से नीचे निशाना लगाता है, जयमल के पैर में गोली लगती है। कहां गोली लगती है? जयमल अंदर की तरफ गिर जाता है, पर अंदर फिर भी वो किला खोलने के लिए तैयार नहीं। 4 महीने का घेरा चला, कितने महीने का? 4 महीने का घेरा चला। बस 67 के लास्ट में नवंबर के आसपास वो आया, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया, 68 शुरू हो गया, जनवरी आ गई, फरवरी आ गई। फरवरी आते आते किले के अंदर का अनाज और पानी खत्म होने लग गया। जब अनाज और पानी खत्म हो गया तो आप लड़ने का एक ही तरीका बचा अपने पास में, साका। बस आप साका क्या है, साके में क्या क्या दो बातें होती है, एक होता है जौहर, एक क्या होता है? तो जौहर तो किया फूल कंवर ने, जौहर किसने किया? किसकी रानी है? पत्ता। किसकी रानी है? किसकी बहन है? फूल कंवर तो करती है जौहर, केसरिया पुरुष करेंगे। तो जयमल पत्ता के नेतृत्व में क्या हुआ?